Hi everyone, I am Dr. Rajiv Gupta. I am an orthopedic surgeon. My area of interest is knee preservation and for that uh, today I am going to talk about meniscal problems. Let us discuss about what is meniscus and what is the problems with them. See this model, a Nika model. We have two type of meniscus in our body. One is lateral meniscus and one is medial meniscus. मेनिस्कस आर वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर इन आवर बॉडी फॉर आवर नी जॉइंट ये शॉक एब्जॉर्वर का काम करते हैं कुशनिंग का काम करते हैं और कार्टिलीज के नरिशमेंट का काम करते हैं जो हमारी डे टू डे एक्टिविटी में कार्टिलीज पर स्ट्रेस आता है उसको ये प्रिवेंट करते हैं रिड्यूस करते हैं ये इंजर्ड कैसे होता है आ, कई बार हम जल्दबाजी में सड्डियाँ उतर रहे हैं और हमारा नी ट्विस्ट हो गया या स्पोर्ट्स में खासकर लैंडिंग करते हैं वॉलीबॉल में हमने किक शॉट लगाया और लैंडिंग किया या फुटबॉल में हॉकी में ट्विस्टिंग से टिबिया के बीच में और गेट डॉन फ्रॉम द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ मीडियल मेनिस्कस की इंजरी आइसोलेटेड भी हो सकती है और के साथ भी हो सकती है अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है पेशेंट को शुरू में तो क्या होता है कि एक पर्टिकुलर एक्टिविटी पर खासकर जब ज़्यादा स्ट्रेन देना हो फॉर एग्जांपल रनिंग है या तेजी से सिड्डिया उतरना है रैम पे उतरना है तो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर पेन होता है पर धीरे धीरे जब प्रॉब्लम बढ़ती है तो पेशेंट को ऐसा लगता है कि कुछ घुटने में अटक रहा है लॉक हो रहा है घुटना या फिर पेन और स्वेलिंग बढ़ रही है या फिर जब मेनिस्कस कार्टिलेज में प्रॉब्लम करना स्टार्ट करता है यहाँ पर जब ये टीयर हो जाता है तो काटलीज में अगर डैमेज होने लगता है तो पेन फिर रेस्ट पर भी होने लगता है तो जो इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर था मैनेस्कर जब वो इंटैक्ट था वही टॉर्न होने पर नी पे डैमेज करने लग जाता है अगर आपको इस तरीके की कुछ प्रॉब्लम है जिसमें आपकी एमआरआई में मैनेस्कर टीयर डायग्नोज हुआ है या फिर आपके सर्जन ने आपको बताया कि यू हैव मैनिस्क स्टीयर देन डोंट वेट फॉर दैट बिकॉज मैनिस्कस डज नॉट हैव सेल्फ हीलिंग दे हैव पोअर हीलिंग पोटेंशियल। अगर आपको इस तरीके की प्रॉब्लम्स है और वो फिजियोथेरेपी या कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से ठीक नहीं हो रही है तो फिर मेरा सजेशन है यू गो फॉर मैनिस्कस रिपेयर आई एडवाइज़ माई पेशेंट फॉर मैनिस्कस रिपेयर बिकॉज एज वी ऑलरेडी डिस्कस कि मैनिस्कस कितना इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है अपने नी की आर्थाटिस को प्रिवेंट करने के लिए मुझे लगता है कि डोंट आई डोंट एडवाइज माय पेशेंट्स फॉर मेनिस्कस रिमूवल और मैनिसक्टमी नाउ डेज बिकॉज ऑफ एडवांसमेंट इन मेनिस्कल रिपेयर सिस्टम और मेनिस्कस रिपेयर टेक्निक्स वी हैव मोस्टली मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स नाउ विथ मेनिस्कस प्रिजर्वेशन सर्जरीज और ये बहुत ईजीली uh, आर्थोस्कोपी से पॉसिबल है जिसमें कि की होल सर्जरी से मैनेस्कस रिपेयर किया जा सकता है वेन गॉड गिव्स अस मैनिस्कल टिश्यू विथ ए प्रॉपर एंड इम्पॉर्टेंट फंक्शन देन माई सजेशन इज वाई टू रिमूव दैट दे आर नॉट यूजलेस इफ पॉसिबल वी शुड गो फॉर मेनिस्कल प्रिजर्वेशन and nowadays we have very advanced technique like fibrin clot techniques prps and bone marrow injections so that we can get the success rate of meniscal repair in very high percentage so go ahead with meniscal preservation surgeries and don't neglect them because everything is important timing is important for your uh, treatment and success of treatment अगर आप सही समय पर अपने सर्जन से डिस्कस करते हैं तो मैनिस्कल रिपेयर सर्जरी इज ए बून फॉर यू फॉर योर नी जॉइंट टू प्रिवेंट आर्थराइटिस ऑफ योर नी जॉइंट सो दैट वाई टू वेट फॉर एजिंग ऑफ योर नी बिकॉज ऑफ मैनिस्कल टीयर यू गो फॉर मैनिस्कल प्रिजर्वेशन सर्जरी एज सुन एज पॉसिबल डोंट गो फॉर कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट एज मैनिस्कस डज नॉट हैव सेल्फ हीलिंग पोटेंशियल थैंक यू